नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश है आज 31 मार्च मंगलवार की श्री गंगानगर हनुमानगढ़ और पंजाब की सुबह की खास खबरें। लॉकडाउन के चलते पूरे देश में धारा 144 लगी हुई है। श्री गंगानगर जिले की जिला मुख्यालय सहित रायसिया नगर, सादुल शहर, पदमपुर, गस्तिंगपुर, करनपुर, अनूपगढ़ आदि क्षेत्रों में भी लॉकडाउन सफलतापूर्वक चल रहा है। सड़कों पर वही लोग नजर आ रहे हैं जो आवश्यक सामान की खरीदारी करने के लिए जा रहे हैं। हनुमानगढ़ जिले में भी प्रशासन की सख्ती के चलते लॉकडाउन सफल चल रहा है। जिला मुख्यालय के अलावा संगरिया, पीलीबंगा, रावतसर, नोहर, भादरा आदि क्षेत्रों में सफलता के साथ लॉकडाउन चल रहा है। पंजाब में चल रहे कर्फ्यू की तारीख 14 अप्रैल तक करने के बाद भी पंजाब में सन्नाटा पसरा रहा। जहां लोगों ने कर्फ्यू की उल्लंघना करने का प्रयास किया, वहां पुलिस ने उन्हें सख्ती के साथ घर भेजा। पंजाब के अबोहर, फिरोजपुर, फाजिलका, नवांशहर, चंडीगढ़, अमृतसर, मलोट आदि सभी जगह पुलिस प्रशासन ने सख्ती के साथ कर्फ्यू की पालना करवाई और सड़कों पर सन्नाटा पसरा रहा। बात करें श्री गंगानगर जिला मुख्यालय की, तो यहां आज सुबह सब्जी मंडी में सैकड़ों लोगों की भीड़ अवश्य उमड़ी, जिसके बाद में पुलिस ने लोगों को अपने घरों के लिए भेजा। लेकिन अन्य क्षेत्रों में सन्नाटा पसरा रहा। सड़कों पर सिर्फ सब्जी बेचने वाले, दूध विक्रेता और वे ही वाहन नजर आए जो आवश्यक सामान ला ले जा रहे थे। इसके अलावा सड़कों पर वीरानी छाई रही। यूं कहें तो गलत नहीं होगा कि जिला प्रशासन, जिला मुख्यालय सहित पूरे जिले में लॉकडाउन और धारा 144 की पालना करवाने में सब्जी मंडी को छोड़कर सफल रहा। जम्मू से 23 लोग सुबह मांडल लाए गए। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान रोडवेज की बस गंगानगर से इन्हें लेकर पहुंची। मेजा रोड भील बस्ती के भवानी लाल ने बताया कि एक महीने पहले वह काम धंधे की तलाश में गया था। कोरोना संक्रमण को लेकर लॉकडाउन हुआ तो बच्चों को लेकर निकलना पड़ा। करीब एक सप्ताह बचते बचाते भूखे तरसे चलते रहे। राजस्थान सरकार ने मुफ्त बस व भोजन की व्यवस्था की थी। इन्हें लेकर आए गंगानगर डिपो के कंडक्टर प्रसन्न सिंह ने बताया कि पंजाब सरकार से जिला प्रशासन को सूचना मिलने पर कलेक्टर व सादुलशहर तहसीलदार के निर्देश पर इन लोगों को पंजाब राजस्थान की पतली से स्थित सीमा से बस में लिया। श्रीगंगानगर जिले के सूरतगढ़ रोड पर निर्माणाधीन एक निजी स्कूल के करीब 2 दर्जन श्रमिक अपना सामान लेकर लाइन लगाकर पैदल ही मध्य प्रदेश के लिए निकल पड़े। सूचना मिलने पर सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और इन्हें वापस स्कूल भेजा। पुलिसकर्मियों ने इनके भोजन व वहां के रहने की व्यवस्था की जानकारी ली। कोरोना की आशंकाओं और लॉकडाउन के बीच आमज के लिए राहत की खबर है। अब सामान्य लोग रोग की स्थिति में आमजन को चिकित्सा व स्वास्थ्य विभाग के विशेष नियंत्रण कक्ष से चिकित्सीय राय भी ले सकेंगे। CMHO डॉक्टर गिरधारी लाल मेहरड़ा ने बताया कि इस नियंत्रण कक्ष में एक चिकित्सक उपलब्ध रहेगा। इसके साथ ही 3 स्टाफ की व्यवस्था भी की गई है। कोरोना वायरस को लेकर मास्क, सैनिटाइजर व राशन सामग्री की कालाबाजारी की शिकायतों के बाद श्रीगंगानगर रसद विभाग ने मास्क व सैनिटाइजर के रेट तय कर दिए हैं। DSO ने बताया कि सभी मेडिकल स्टोर संचालकों को भारत सरकार की निर्धारित दर से मास्क व सैनिटाइजर का विक्रय करेंगे। इसके अलावा राशन विक्रेताओं को रेट लिस्ट चस्पा करनी होगी। श्रीगंगानगर जिले में कोरोना की आशंकाओं के बीच सुखद खबर सामने आई है। सोमवार रात तक 48 कोरोना संदिग्ध सामने आए तथा इसमें से 43 की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। चिकित्सालय में रात को 2 नए कोरोना संदिग्ध रोगी भर्ती होने के साथ ही चिकित्सालय में अब तक आए कोरोना संदिग्धों की संख्या 48 हो गई है। 5 की रिपोर्ट आना बाकी है। श्रीगंगानगर नगर परिषद के पास स्थित बैंक में अपने वेतन और मनोदय राशि को लेने के लिए सफाई कर्मियों की भीड़ लग गई। पुलिसकर्मियों ने महिलाओं और पुरुषों की अलग अलग लाइनें भी लगवाई। हालांकि बैंक के अंदर एक महिला और एक पुरुष को ही एंट्री दी जा रही थी। सफाई कर्मियों का कहना है कि वेतन उनके बैंक खाते में डाला गया है, ऐसे में घर पर राशन और अन्य सामान खरीदने के लिए रुपए की जरूरत थी। पंजाब के जलंधर में कोरोना वायरस के संक्रमण से पंजाब में दूसरे व्यक्ति की मौत हो गई है। होशियारपुर के मोरावाली निवासी 64 वर्षीय बाबा हरभजन सिंह का रविवार को अमृतसर के गुरु नानक देव अस्पताल में मौत हो गई। हरभजन सिंह की मौत की पुष्टि करते हुए गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अमृतसर की प्रिंसिपल डॉक्टर सुजाता शर्मा ने कहा कि वह नवांशहर के मृतक बलदेव सिंह के संपर्क में आने से संक्रमित हुए थे। पंजाब में कोरोना वायरस तेजी से फैलता जा रहा है। राज्य में एक ही व्यक्ति से 29 लोगों को संक्रमित होने की खबर सामने आई है। कोरोना पॉजिटिव गुरुद्वारा की एक ग्रंथी से ये संक्रमित हुए हैं। संक्रमित लोगों में ग्रंथी के परिवार के 14 लोग भी शामिल हैं। पंजाब के दरिया व्यास में मछली पकड़ने गए 3 युवक डूब गए। थाना ढिलवा में की पुलिस गोताखोरों की मदद से उनकी तलाश में जुटी हुई है। अब तक युवकों का कोई सुराग नहीं लगा है। थाना ढिलवा के प्रभारी इंस्पेक्टर विक्रमजीत सिंह ने बताया कि सुखविंदर सिंह और जैक्सन निवासी गांव रायपुर अराइया और सतनाम सिंह निवासी बक्कूवाल दरिया व्यास में मछलियां पकड़ने के लिए बाइक पर आए थे, जिनकी तलाश की जा रही है। पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड ने कक्षा 5, 10 और 12 के लिए पेंडिंग पड़ी बोर्ड परीक्षाओं को कोरोना वायरस के कारण स्थगित करने के आदेश दिए हैं।
डेटशीट के अनुसार परीक्षाओं का आयोजन 1 अप्रैल से होना था। कक्षा 10 व 12 के लिए जिन्हें 3 अप्रैल से पुनर्निर्धारित किया गया था और कक्षा 8 के लिए प्रैक्टिकल अगले आदेश तक के लिए स्थगित कर दिए गए हैं। देश भर में लॉकडाउन हुए 4 दिन हुए हैं, वहीं राजस्थान में जनता कर्फ्यू से ही लॉकडाउन शुरू हो गया। ऐसे में बीकानेर में 8 दिनों से लॉकडाउन है, शहर ठहरा हुआ है। गलियों को जगह जगह लोगों ने खुद ही बल्लियां लगाकर बंद कर दिया है। मतलब यह है कि न हम बाहर निकलेंगे और न किसी को हमारे घरों में के आगे से आवाजाही करनी है। हनुमानगढ़ के खाद्य एवं आपूर्ति विभाग की तरफ से जरूरतमंद कार्ड धारकों के लिए निःशुल्क राशन वितरण की शुरुआत सोमवार से हुई। जिला रसद अधिकारी ने बताया कि सभी को 2 माह का राशन निःशुल्क वितरित किया जाएगा। जिले में 681 उचित मूल्य की दुकानें हैं और करीब 450 दुकानों पर राशन वितरण किया गया। हनुमानगढ़ जिला मुख्यालय पर लॉकडाउन में प्रशासन मजदूरों का पलायन और सड़कों पर बेवजह घूम रहे लोगों को रोकने में पूरी तरह बेबस नजर आया। शहर की सड़कों पर गुजरात और मध्य प्रदेश के बड़ी संख्या में मजदूर पंजाब जाने के लिए पैदल और मालवाहक वाहनों पर नजर आए। हालांकि प्रशासन का कहना है कि कई मजदूरों को रुकवाया और टाउन के राधास्वामी डेरा में आश्रय दिया गया। हनुमानगढ़ में राशन वितरण में फर्जीवाड़े का मामला सामने आया है। ताजा मामले के अनुसार बांसवाड़े के राशन डीलर ने राशन कार्ड में सेंधमारी कर पीलीबंगा निवासी व्यक्ति के नाम से राशन उठा लिया। मामले का खुलासा उस समय हुआ जब पीलीबंगा के गांव डबलीवास मौलवी के रहने वाले भूराम को मार्च महीने का राशन नहीं मिला। जिला रसद अधिकारी सुनील कुमार ने बताया कि 27 मार्च बांसवाड़ा का राशन डीलर जौहर सिंह नागजी ने फर्जीवाड़ा करके भूराम के कार्ड से मार्च महीने का राशन उठाया है। हनुमानगढ़ जिले की रावतसर पुलिस ने लॉकडाउन के आदेशों के बावजूद बाजार में बाइक सवारों की संख्या में कमी नहीं आने के चलते सख्ती दिखाई। थाना अधिकारी अरुण चौधरी में जाप्ते के साथ स्टेट बैंक के सामने मेगा हाईवे पर बिना कारण बाजार में घूमने वाले 15 मोटरसाइकिल सीज किए और 15 के चालान काटे। थानाधिकारी के साथ यातायात पुलिस प्रभारी मीर सिंह नेहरा, हवलदार चेतराम, कृष्ण आदराम व चानन राम आदि मौजूद रहे। पंजाब की ओर से लॉकडाउन तक बंदी को स्थगित करने के बाद राजस्थान क्षेत्र में इंदिरा गांधी नहर का रेगुलेशन जारी कर दिया गया है। इसमें 29 मार्च से 23 अप्रैल तक इंदिरा गांधी नहर को 3 समूह में विभक्त करके नहरों की क्षमता से 50% तक पानी चलाने का निर्णय लिया गया है। इस अवधि में 5000 क्यूसेक के करीब पानी चलाया जाएगा। जल संसाधन उत्तर संभाग हनुमानगढ़ के मुख्य अभियंता विनोद मित्तल ने बताया कि 22 अप्रैल तक केवल पेयजल का रेगुलेशन जारी किया गया है। कमांडेड पुलिस ट्रेनिंग स्कूल जोधपुर की ओर से हेड कांस्टेबल में सहायक उपनिरीक्षक प्रमोशन कैंडर कोर्स के तहत कराएगी इंडोर व आउटडोर परीक्षा में सफल 110 परीक्षणार्थियों का परिणाम घोषित किया गया है। इसमें 24 हेड कांस्टेबल के नाम है जो पदोन्नत कर ASI बनाए गए। ताजा तरीन खबरों के लिए फाइटर न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई न्यूज अपडेट होते ही आपके फोन की घंटी बज जाए। Once again.